Hello students, welcome to online classes. In this video I will explain chapter 6 factor and multiples. Factor and multiples I have already explained you. I will start question number 3. Question number 3 is which of the following numbers are divisible by 2? के वो कौन सा नंबर है जो 2 से divisible है. तो इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसके रूल्स को देख लेते हैं. तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज एनी वन ऑफ 2, 0, 2, 4, 6, 8. वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है उसकी यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 6 या 8 होना चाहिए, यानी इनमें से उसकी यूनिट डिजिट होनी चाहिए. तो आई टेक एग्जाम्पल 976. तो 976 मैंने दिया है तो मैंने देखा कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 6 है. तो जब इसकी यूनिट डिजिट 6 है तब ये नंबर पूरा 6 से क्या है, डिविजिबल है. तो 976 इज डिविजिबल बाय 2. बी, ये देखिए 670 मैंने लिया है, इसमें देखिए यूनिट प्लेस पर क्या है, 0. तो 0 है तो यानी दिस नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. 843, तो ये 3 है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2. कम टू नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. वो नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा तो उसकी सारी डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तभी वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा. तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 837 और मैंने इनकी डिजिट का क्या करा, सम किया, सम इसका 18 आया. तो हमें पता है 18 इज डिविजिबल बाय 3. तो 837 इज डिविजिबल बाय 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. तो 4 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट ऑन इट्स एक्सट्रीम राइट इज डिविजिबल बाय 4. 4 से हम 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, हम उसकी जो नंबर आपका उसकी लास्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे. अगर ये 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तभी पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है. देखिए यहाँ पर मैंने ये चेक कर रखा है, 4 1 4 4 2 8, यानी फिर मैंने 4 को यहाँ राइट किया, 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4. मैंने दूसरी एग्जाम्पल लिया है 1056 लेंगे लास्ट के डिजिट. 56 को जब मैंने डिवाइड किया तो 4 1 4 1 रिमाइंडर, आई राइट 6 हियर, 4 4 4 16, यानी 16 पूरी तरीके से क्या डिविजिबल है, यानी दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4. कम टू लास्ट, लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5. 5 की जब हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो आ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5. जब किसी नंबर की यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो तभी वो नंबर पूरा 5 से डिविजिबल है. अब देखिए 1980, अब यूनिट डिजिट क्या है, 0, तो यानी दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5. मैंने ये नंबर लिया 1785, यानी 5 5 है तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5. 3206, यूनिट डिजिट क्या है, 6, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6. थैंक यू वेरी मच.